दे रहा है आराम से। अरे अब क्या कर दिया तुमने? अरे अपना तो रोज का है। तुम क्यों अंदर? मैं? अरे वो बाजू वाला था ना, बहुत मत पूछ करता था, तब खड़ा था चले। ओ भाई मारो। मेरे जो किया वो समाज में किया। ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? 2 साल पहले की बात है, एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई।
मिल गए नैना, छिल 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 गए नैना। आज तो मुलगा घेऊन चल त्याला थी। Do you know Photoshop? You know your guy is cheating on you? See, I found these pictures. समाज ने हमें कानून के दायरे में रहना तो अक्सर सिखाया है,
पर क्या हम कानून और न्याय के बीच में फर्क समझ सके? ये कहानी किसी बड़ी हस्ती की नहीं है जिसके लिए हजारों की भीड़ खड़ी हो जाए, बल्कि उस हर एक आम इंसान की है जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा था, जिसका अपने बच्चों के ऊपर साया था और जिस पर अपनी पत्नी का अभिमान था। ये कहानी सिर्फ अनु शर्मा की ही नहीं है, ये कहानी पवन गुप्ता की भी है, जिस पर रेप का झूठा इल्ज़ाम लगने से उसकी माँ ये दर्द सह नहीं पाई और अपनी जान गंवा बैठी। ये कहानी दिल्ली के सर्वजीत सिंह की भी है, जिसे झूठे मोलेस्टेशन के केस में समाज ने अपनाने से इनकार कर दिया। ये कहानी हैदराबाद के सत्यम बाबू की भी है, जिस पर एक बालिका के झूठे रेप के इल्ज़ाम में 8 साल सलाखों के पीछे बितानी पड़ी। आज भी वो निर्दोष हर लड़की की सुरक्षा की दुआ करता है और घुट घुट कर खुद से यही एक सवाल करता है, ना फक्र है ना नाज है, पर क्यों सोया हुआ मेरा समाज है।